एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। अंडर रूट एक्स प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 12x प्लस 13। कल बताया था आप लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाएगी, तो जनाब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड पर भी इस अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 8। ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24 कैसे होता है जनाब? पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से और दूसरा दूसरे से, प्लस लिखा हुआ है x प्लस 3 और ये हो जाएगा 12x प्लस 13। x प्लस x जो है वो 2x हो जाएगा और 8 प्लस 3 जो है वो 11 हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 और ये लिखा हुआ है 12x प्लस 13। अब लेफ्ट साइड पे जो 2x प्लस 11 है ये राइट साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो राइट साइड पे जो जाके सबट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 10x प्लस 2। राइट साइड पे 2 कॉमन, और ऐसा करने से फायदा हो गया कि जो लेफ्ट साइड वाला 2 है और जो राइट वाला साइड वाला 2 है वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। और उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग। तो मतलब स्क्वायरिंग हो रही है जनाब, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरेंज करेंगे जो लेफ्ट पे थे वो राइट पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 23 इज इक्वल टू 0। जनाब ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस पर लगाएंगे हम रिटर्न ब्रेक। रिटर्न ब्रेक में हमारे बच्चे जीते, तो पहले में जनाब कॉमन है 24 कॉमन और x कॉमन है बचेगा x माइनस 1। अगले वाले में 23 कॉमन है बचेगा x माइनस 1, दोबारा से x माइनस 1 कॉमन है बचेगा 24x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो पहले में करेंगे x माइनस 1 को 0, तो ना वहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। और अगले में हम क्या करेंगे 24x हम ये करेंगे 0, तो जनाब आ जाएगा माइनस 23 अपॉन 24। क्लियर है जनाब? कोई मसला आता? अब क्योंकि हम जैक्स निकाल चुके हैं, अब उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सो नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन के लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन, तो पहले करेंगे हम x इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर जाएगा 1 प्लस 8, फिर जाएगा 1 प्लस 3 बराबर है 12 इंटू 1 प्लस 13 के, ये वेरीफाई कर जाएगा क्योंकि 3 प्लस 2 जो है वो 5 के बराबर होता है। जनाब ये हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 23 अपॉन 24 के लिए, फिर जाएगा माइनस 3 अपॉन 23 अपॉन 24 प्लस 8, यह जगह माइनस 23 अपॉन 24 प्लस 3 और यह जगह 12 इंटू माइनस 23 अपॉन 24 प्लस 13। तो डेढ़ इशारे से प्रेस करें, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखें। यह आएगा जनाब 13 अंडर रूट 6 अपॉन 12, यह आएगा जनाब 7 अंडर रूट 6 अपॉन 12, और जनाब यह आएगा अंडर रूट 6 अपॉन 2, जो कि ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं है। जब वेरीफाई नहीं है तो फिर आपको पता है कि उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो ये हुआ जनाब नॉट वेरीफाई, और जो वेरीफाई नहीं होता है फिर उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट में जनाब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आएगा 1। क्लियर है जनाब? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5। जनाब कहने को रूट वाली इक्वेशन है तो इसमें हम स्क्वायरिंग करते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसके अंदर डबल स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले रूट से बाहर आएगा, पर दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 हमसे हैंडल नहीं होगी। तो जनाब आप ये देखें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है और 2x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है, इसको हम कर लेंगे सपोज, लिखेंगे जनाब लेट t इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, जो क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन a जो अब लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी t प्लस 4 प्लस टी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5। तो एक रूट एक वक्त में झेलेंगे, इस वाले को वहां भेज देंगे, ठीक है जी। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो टी प्लस 4 अंडर रूट इस पर स्क्वायर आ जाएगा, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और जनाब इस पर भी आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके बचेगा टी प्लस 4 जाएगा माइनस 10 अंडर रूट टी प्लस 9। जनाब ये टी
और वो टी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा ये 4 माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 10 अंडर रूट टी प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 10 अंडर रूट टी प्लस 9, तो जनाब ये हो जाएगा कैंसिल और कितने से होगा यहाँ पर बचेगा 3, तो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी प्लस 9। दोबारा से करेंगे स्क्वायरिंग, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू आ जाएगी 0। जनाब टी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें टी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी एक्स की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट टी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है जनाब, टी इज इक्वल टू 2x² + 3x, तो टी की वैल्यू है जनाब 0। तब क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब दो आंसर आएंगे जनाब। यहाँ से अगर x कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x + 3, 0 उधर लिखें इधर लिखें बात एक ही है, तो एक आ गया x इक्वल टू 0 और जनाब एक आ जाएगा माइनस 3/2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी रूट का सवाल होगा तो आप करेंगे उसमें वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन तो लाजमी है। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनकी हम करेंगे वेरिफिकेशन। बात समझ में आ गई, नाउ डूइंग द वेरिफिकेशन पार्ट। तो वेरिफिकेशन आपको पता है किस तरीके से की जाती है, तो कीजिए खुद से। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो दोनों वैल्यूज वेरीफाई कर गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन सेट में दोनों ही वैल्यूज लिखी जाएंगी। जनाब हमारे पास 0 भी आंसर है और -3/2 भी आंसर है, क्लियर है जी।